Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends. My name is Yunus Bhatti and you are watching the Today Saudi Riyal Rate YouTube channel. Now in this video, I am just telling about the new and updated Saudi Riyal Rate for Pakistan, India, Bangladesh and Nepal. In countries के लिए ये video जो है बहुत खास होने वाली है क्योंकि इस video में मैं आपको बहुत सारी countries यानी कि बहुत सारी banks के बारे में जो वो बताता हूँ daily basis पर कि कौन कौन सी ऐसी बैंक है जो कि आपको आपके पसंदीदा कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा रियाल रेट जो है वो दे रही है सिर्फ और सिर्फ आज के दिन. तो वीडियो को डेली बेस पर देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें और अपने हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें. तो चलिए आज भी देख लेते हैं कौन कौन सी बैंक्स हैं जो ज़्यादा रियाल रेट दे रही हैं. वेस्टर्न यूनियन का पाकिस्तान के लिए आज का रेट है 40 रुपये और 72 पैसे. इंडिया के लिए वेस्टर्न यूनियन आज का रेट दे रही है 18 रुपये और 82 पैसे. बांग्लादेश के लिए आज का रेट दे रही है 22 टका और 52 पैसे, जबकि नेपाल के लिए वेस्टर्न यूनियन का आज का रेट है 30 रुपये और 14 पैसे. मनीग्राम का पाकिस्तान के लिए रेट है 40 रुपये 91 पैसे. इंडिया के लिए आज का रेट दे रही है 18 रुपये और 71 पैसे. बांग्लादेश के लिए मनीग्राम का आज का रेट है 22 टका और 18 पैसे, जबकि नेपाल के लिए मनीग्राम आज का रेट देने वाली है 30 रुपये और 15 पैसे. रियाज बैंक का पाकिस्तान के लिए रेट मिल रहा है 40 रुपये और 60 पैसे, जबकि इंडिया के लिए रियाज बैंक आज का रेट देने वाली है 18 रुपये और 87 पैसे. तो उसी के साथ ही अगर बात कर लेते हैं हम इंजाज बैंक के हवाले से, तो पाकिस्तान के लिहाज रेट मिलने वाला है 40 रुपये और 57 पैसे. इंडिया के लिहाज से इंजाज बैंक आज कर देने वाली है 18 रुपये और 72 पैसे. बांग्लादेश के लिहाज से इंजाज बैंक आज कर देने वाली है 22 टका और 46 पैसे, जबकि नेपाल के लिहाज से इंजाज बैंक आज कर देने वाली है 29 रुपये और 56 पैसे. और अगर बात कर ली जाए फौरी बैंक की, तो पाकिस्तान के लिहाज रेट मिलेगा 40 रुपये और 66 पैसे. इंडिया के लिहाज से फौरी बैंक आज कर दे रही है 18 रुपये और 59 पैसे. बांग्लादेश के लिए फौरी बैंक आज का रेट मिलेगा 22 टका और 49 पैसे, जबकि नेपाल के लिए फौरी बैंक आज का रेट देने वाली है 30 रुपये और 0 पैसे, यानी कि 30 रुपये दे रही है सिर्फ. एएनबी टेलीमनी के हवाले से बात कर ली जाए, तो पाकिस्तान के लिए रेट मिलने वाला है 40 रुपये और 87 पैसे. इंडिया के लिहाज से टेलीमनी आज का रेट दे रही है 18 रुपये और 65 पैसे. बांग्लादेश के लिहाज से आज का रेट मिलने वाला है 22 टका और 25 पैसे, जबकि नेपाल के लिहाज से एएनबी टेलीमनी आज का रेट देने वाली है 29 रुपये और 32 पैसे. और अगर बात कर ली जाए क्विक पे के हवाले से, तो पाकिस्तान के लिहाज से आज का रेट मिलने वाला है 40 रुपये और 25 पैसे. इंडिया के लिहाज से क्विक पे आज का रेट देने वाली है 18 रुपये और 47 पैसे. बांग्लादेश के लिहाज से क्विक पे आज का रेट देने वाली है 22 टका और 38 पैसे, जबकि नेपाल के लिहाज से क्विक पे आज का रेट देने वाली है 30 रुपये और 10 पैसे. अल-राज़ी का पाकिस्तान के लिए रेट मिलने वाला है 40 रुपये और 62 पैसे. इंडिया के लिए अल-राज़ी बैंक आज का रेट देने वाली है 18 रुपये और 62 पैसे. बांग्लादेश के लिए अल-राज़ी बैंक आज का रेट मिलने वाला है 22 टका और 53 पैसे, जबकि नेपाल के लिए राज्य बैंक आज का देने वाली है 29 रुपये और 35 पैसे. एक्सिस बैंक का पाकिस्तान के लिए रेट है 40 रुपये 62 पैसे. इंडिया के लिए 18 रुपये और 62 पैसे. बांग्लादेश के लिए आज का रेट है 22 टका और 53 पैसे, जबकि नेपाल के लिए एक्सिस बैंक आज का देने वाली है 29 रुपये और 35 पैसे. उसी के साथ ही अगर बात कर ली जाए सऊदी रिसाल की, तो पाकिस्तान के लिहाज से रेट मिलेगा 40 रुपये और 15 पैसे, जबकि इंडिया के लिहाज से सऊदी रिसाल आज का रेट देने वाली है 18 रुपये और 55 पैसे. तो ये थी हमारी आज की ताज़ा तरीन रियाल की अपडेटेड वीडियो. तो हमारे चैनल टुडे सऊदी रियाल रेट को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में देखें बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें और वीडियो को शेयर लाजमी करें अपने दोस्तों.